क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है, जो महिलाओं की समस्या है मैं तो बताई गई हूँ, जिसको वो हर किसी से शेयर नहीं कर सकती है, वो बेझिझक हमारे संघ में हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके सामने अपने बातें रख सकती है। जिसको हम लोग अभी पहले भी कहें कि प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से भी और ब्लॉक स्तर से जितनी समस्याएं महिलाओं की, उसको हम लोग मिलजुल कर दूर करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए यह संघ को बनाया गया। आज कितने लोगों को इस टीम में जी? कुल 15 लोग इस गठन में, जो ब्लॉक का जो गठन किया गया है। अच्छा, गठन से पहले कोई ऐसी विशेष समस्या जिसने आप लोगों को बाध्य किया हो इस संगठन को बनाने के लिए? बहुत सारी समस्याएं थी ऐसी जो मीडिया से शेयर की जा सके। मीडिया से शेयर यही कि कुछ समस्याएं थी ऐसी जिसको हम लोग शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए तो महिला संघ बना। नहीं, महिला संघ बना और आप सड़क पे हैं, मंच पे हैं, एक उस माध्यम से आप अधिकारियों से भी मिलना है, तो इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये गोपनीय है। समस्याएं आपकी जेन्युइन है लेकिन गोपनीय तो नहीं कह जा सकते आपको? नहीं नहीं है, बहुत समस्या है। जैसे सीतापुर की जो घटना हुई थी, जो महिला के साथ छेड़खानी हुई थी, उसके खिलाफ किसी भी संगठन ने आवाज नहीं उठाई और इसी वजह से हम लोग को एक संगठन खुद का बनाने, कई समस्याएं, अधिकारियों के पास भी जाइए तो महिलाओं को वो लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने एक संगठन बनाया है जहाँ हर किसी की समस्या सुनी जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।